पीछे चले जाओ, पीछे पीछे पीछे, अरे पीछे पीछे, अभी इधर नहीं। ये भाई साहब ये गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया। अगर बड़ा रहना सो गाइस, बज रहे अभी सुबह के 6:30 और मैं मस्त हो गया था रेडी। लेकिन भाई साहब आज हो चुका है लेट, तो मैं अकेले अकेले जा रहा हूँ बस स्पॉट, क्योंकि हो चुका है लेट। और भाई साहब अक्रम भाई इन लोग जो है चले गए हैं, तो आज जो है डांस की प्रैक्टिस है, इसीलिए जाना है, बाकी और कुछ काम वगैरह नहीं है। ठीक है, तो कोई ना, चलते हैं बस स्पॉट, मिलते हैं आपको सीधा बस स्पॉट पे। तो गाइस फाइनली पहुंच गए राजकोट, और आज भाई साहब देख रहे हो इतना लेट हो गया, दोनों भाग रहे। अजेश 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 अजेश, रिटर्न कितने बजे? 12:30। चलो ठीक है, 12 बजे मिलते हैं। इन लोग जा रहे भाई साहब, और मैं रुका हूँ क्योंकि एक फ्रेंड ना आ रहा है अभी, उसको भी लेट हो चुका है, अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ नहीं है, तो इसीलिए मैं जो है सोचा कि इसीलिए रुक जाता हूँ। तो देखते हैं कब तक ये आता है। उसने बोला तो है कि मैं 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, तो बस कोई ना, उसके लिए रुके हुए हैं, थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद जाते हैं कॉलेज, क्योंकि आज जो है 10 बजे बाद हमारी प्रैक्टिस है, डांस की प्रैक्टिस है। तब देखते हैं, मोहित भाई तो ऐसे ही चले गया होगा और मुझे भी लेट हो गया होगा, मतलब मुझे भी लेट हो गया साथ उठने में, तो इसीलिए जो है मोहित भाई चले गए होंगे। और अब देखते कब तक के हमारे फ्रेंड आते हैं, फिर चलते हैं कॉलेज। तो आज बज रहे थे सुबह के 8:30, और अभी तक हमारे फ्रेंड सर्कल अभी तक आए नहीं है भाई साहब, यार क्या पता कहाँ रुके हैं। वही वेट कर रहा हूँ जिन लोग कहाँ पे, क्या पता यार, देख रहे हो सुबह सुबह में, सुबह सुबह में यार तो खड़े रहना है, और ऊपर से जो है इन लोग का वेट करना है, तो क्या यार सुबह सुबह में थकान यही भी लगती है कि भाई साहब इन लोग जो है आते लेते भाई साहब यहीं के, मतलब राजकोट में ही रहते रहते इन लोग जो है लेट करते थे, हम तो यार वहाँ से जल्दी निकलते क्योंकि हम टाइम पर पहुँचते। आ गया था कॉलेज में, कॉलेज में आने के बाद ये भाई साहब दोनों के दोनों, और तुम दोनों क्या कर रहे हो? नहीं बताऊंगा। लाना बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या कर रहे हो दोनों? अरे क्या कर रहे हो? चोरी। अरे भाई साहब, विशाल भाई ये सब क्या है? विशाल भाई देख रहे हो भाई साहब, इन लोग पैसे गिन रहे यहाँ पे कॉलेज में आके सारे चिल्लर, ये क्या बताऊँ मैं आपको, इन लोग को देखो, इन लोग दूसरे क्लास में, और अरे अरे पीछे चले जाओ, पीछे पीछे पीछे, अरे पीछे पीछे, अभी इधर नहीं भाई साहब, हम लोग बैठेंगे यहाँ पे, आजा आजा बैठो। ये भाई साहब ये मस्ती, मजाक मस्ती कम किया करो यार, मत किया करो मजाक मस्ती ज्यादा। गाइस कॉलेज का काम हो चुका था सारा कंप्लीट, और अभी जा रहा हूँ मैं घर, क्योंकि अभी तो कुछ काम है नहीं। और भाई साहब धूप देख रहे हो, सुबह में मैं स्वेटर जो है एक जगह पे छोड़ के आया था, क्योंकि गर्मी देख रहे हो भाई साहब, नेक्स्ट लेवल गर्मी है, तो इसीलिए मैं जो छोड़ के आया था। और कोई ना, चलते हैं बस स्पॉट, मिलते हैं आपको बस स्पॉट में। तो गाइस बज रहे अभी दोपहर के 3:15, और मैं आ गया था घर पे यार, लेकिन यार थकान कुछ इस तरीके से लगी हुई है कि क्या बताऊँ, ना खाने का मन कर रहा है, बस नहाऊंगा, नहा के सो जाऊंगा, सोने के बाद फिर कुछ देखूंगा, अगर भूख लगी है तो खा लूंगा, नहीं तो सीधा दुकान चले जाऊंगा। बट कोई ना यार, डांस प्रैक्टिस भी थी, धूप वगैरह भी भाई साहब नेक्स्ट लेवल थी, इसीलिए जो है थकान यार भाई साहब नेक्स्ट लेवल लग रही है। आप आँखें वगैरह भी देख सकते हो मेरी किस तरीके की आँखें हो चुकी है। कोई नहीं यार, मस्त फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद फिर थोड़ा बहुत आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद फिर जाएंगे दुकान। तो आज मैं आ गया था दुकान पे, और दुकान पे आने के बाद थोड़ा बहुत काम था यार, वो किया, और अब थोड़ा आगे भी काम है यार, क्या बताएं, जो था वो सब तो निपटा दिया है, लेकिन अब कुछ बचा तो नहीं, फिर भी देख लेता हूँ, क्योंकि पीछे की ओर ना थोड़ा बहुत काम रहता है, तो वो सारा कुछ जो है निपटा दिया है। अब दुकान का काम है, दुकान में तो कुछ काम है नहीं, खाली बैठे बैठे ऐसे ही बैठना है ना,
तो इसीलिए। और आज मैं आ गया था भाई साहब जल्दी, क्योंकि सुबह में लेट उठा था ना तो नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैं ऐसे उठ के आ गया था, आराम किया नहीं था तो ऐसे आ गया था। बट कोई ना यार, अब रात में 8 बजे घर जाना है, अभी फिलहाल तो 5:30 बज रहे, अभी 3-3.5 घंटा और है, 3-3.5 घंटे बाद हमें जाना है घर। तो कोई ना यार, थोड़ा बहुत काम है। क्या काम है, क्या काम है, कुछ काम नहीं है, हो गया जो भी निपटाना था सब कुछ निपटा दिया है। अब जाएंगे घर 8-8:30 बजे। और उन लोग जो अभी भी गोटी खेल रहे थे, जियान, अतीक और खालिद, जीदान वगैरह, छोटू वगैरह, अभी भी उन लोग खेल रहे थे। बट मैंने बोला यार मेरे को भी नहीं खेलना है, मैं आऊँगा रात में, रात में खेलूँगा अगर पॉसिबल होगा तो। तो गाइस बहुत दिनों के बाद हमारे अंकल के साथ भी मुलाकात हो रही है। कैसे हो अंकल? बढ़िया है बेटा, एकदम। क्या कर रहे हो आजकल? हमारे अंकल भी फोन में ज्यादा, मतलब क्लिप बना रहा हूँ। क्लिप बना रहे हो? काय की क्लिप? अच्छा वीडियो की। हाँ, हमारे अंकल भी वीडियो की क्लिप बना रहे हैं और मस्त ऐसे ऐसे खुशी रहते रहते हैं, हमें भी मोटिव करते हैं। अंकल क्या क्या सब लेके बैठे हो आप? क्या है दवाई? गाइस अंकल ने 2 तेल की बोतल निकाल के दी है। किस में काम आती है अंकल? लंबे बाल के लिए। लंबे बाल के लिए? आपको भी लंबे बाल करने? सच्ची में? ना ना, क्या वो झूठ मत बोलो अंकल। आपके लिए के घर वालों के लिए? अल्लाह भाई साहब, अंकल भी तेल यूज करते हैं, मतलब वो बाल वगैरह जो है अच्छे खासे घने बने रहे, क्योंकि हमारे अंकल के उसमें भी कम बाल हैं अंकल, समझ रहे हो। और अंकल तो गाइस बज रहे भी रात के 9 और मैं आ गया था टेरिस पे। और भाई साहब आजकल ना ठंडी थोड़ी कम दिख रही है, मतलब लग नहीं रही है, तो अब क्या पता जाने वाली है ठंड, है ना। और आज का दिन ऐसे ही कंप्लीट हो चुका पूरा। सो आज के लिए इतने ही होप्स करते कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी मेरे व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।